नमस्कार फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अचार। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं लहसुन का अचार। ये देखिए, ये दिखने में जितना टेस्टी है, खाने में उतना ही हेल्दी और टेस्टी है। देखिए, मैंने आधा किलो लहसुन लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया है धूप में, जिससे इसमें मॉइस्चर ना रहे। देखिए, लहसुन के अचार में किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। पीली सरसों 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, राई 100 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। फ्रेंड्स, अजवाइन मसालों का टेस्ट, अचार का टेस्ट तो बढ़ाती है, साथ साथ डाइजेशन में भी हेल्प करती है। सौंफ 200 ग्राम, इसके साथ साथ मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, नमक 2 बड़े चम्मच, काला नमक 2 बड़े चम्मच। फ्रेंड्स, काला नमक भी हमारे अचार का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ाता है, इसलिए अचार में काले नमक का प्रयोग ज़रूर करें। सरसों का तेल 1 बड़ी कटोरी। सरसों के तेल की जगह हम तिल का तेल या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अचार सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। विनेगर 2 टेबल स्पून, हींग 1 बड़ा चम्मच। फ्रेंड्स, अब हमने एक भारी तले की कढ़ाई ली है, जिसे हमने गरम होने रख दिया है। अब हम उसमें सारे खड़े मसाले अपने मिला देंगे और एक हल्की खुशबू आने तक इन्हें भूनेंगे। फ्रेंड्स, देखिए मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में ये तेल गरम करते हैं अपना, और इसमें से अच्छा सा धुआं आने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे तेल में से अच्छी सी भाप निकल रही है। अब हम इसमें अपनी हींग डालते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसमें हमने अपना लहसुन डाल दिया। इसमें हमने अपना लहसुन डाल दिया, जिसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये लहसुन भुन गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक, काला नमक। काला नमक जो है वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप अचार में काले नमक का यूज़ ज़रूर करें। और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है, जो मैं पहले बताना आपको भूल गई थी। और ये देखिए, हमारे सारे पिसे मसाले, जिन्हें हमने भून के पीस के रखा है, इसे ऐसे ही पीसना है हमें, हल्का हल्का दरदरा करके, पूरा मत पीसिएगा। और ये भी इसमें ऐड कर देना। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके हमें अपनी गैस बंद कर देनी है और इसमें हमें विनेगर डालना है, जिससे यह लंबे समय तक टिका रहे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लहसुन का अचार। ये देखने में जितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए।
इस अचार को ठंडा होने के बाद हमें इसे एक जार में कांच के जार में रख लेना है, जिससे यह हमारा हमेशा के लिए टिक